हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स हाउस यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट स्पोर्ट्स के अनबॉक्सिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जिस प्रोडक्ट का हम दोबारा रिव्यू लेके आए हैं वो है एक बैडमिंटन रैकेट जो है योनेक्स कंपनी का, जिसका नाम है योनेक्स एनआरएस 7000i। इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस और परफॉर्मेंस जानने के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। मेरा नाम है मोनीश, तो स्टार्ट करें। जैसे कि दोस्तों हम हर बैडमिंटन रैकेट का पहले कवर रिव्यू करते हैं, तो इसका भी हम कवर रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ पे योनेक्स का लोगो है, यहाँ सीरीज का नाम है, अच्छी स्टफिंग का कवर है, काफी थिक कवर है, काफी अच्छी क्वालिटी का कवर है। तो अब इस कवर का मेरी तरफ से रिव्यू ओके है। हाँ, तो अब आते हैं मेन प्रोडक्ट पे जो है हमारा बैडमिंटन रैकेट। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जो इसकी फर्स्ट स्पेसिफिकेशन है वो है इसका आइसोमेट्रिक डिजाइन। आइसोमेट्रिक शेप के साथ ये रैकेट बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि आइसोमेट्रिक शेप ही ऑलरेडी पॉपुलर है योनेक्स की, जो कि इस रैकेट को बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर डिजाइन देती है। नेक्स्ट जो चीज है दोस्तों वो है इसका कलर। इसका कलर वेरियंट एक ब्लू कलर वेरियंट में अवेलेबल है, साथ ही साथ एक रेड कलर वेरियंट में भी अवेलेबल है ये मार्केट के अंदर। कलर सिर्फ आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है, इसके अलावा इसका कोई लेना देना नहीं है। थर्ड जो चीज है वो है इस रैकेट का शाफ्ट और इस रैकेट का हेड। जो शाफ्ट है वो है ग्रेफाइट शाफ्ट और जो हेड है वो है एल्युमिनियम हेड के साथ ये रैकेट अवेलेबल है। अगली जो चीज मैंने इस रैकेट में नोटिस करी है वो है इस रैकेट का वेट, जो कि यहाँ पे मेंशन है रैकेट के पास में, जो योनेक्स कंपनी ने इनबिल्ट दिया है इस रैकेट के ऊपर स्टीकर लगा के, वो है 2U। जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताना चाहूंगा कि 2U का टैग का मतलब होता है 90 से 95 ग्राम के बीच का वजन के रैकेट्स को 2U का टैग मिलता है। इसका मतलब इस रैकेट का वजन करीब करीब 90 से 95 ग्राम के बीच में होगा। और मैंने इस रैकेट को स्ट्रिंग्स के साथ ही मेजर कर लिया, तो इसका रैकेट करीब करीब वजन रैकेट का वजन करीब करीब 99 ग्राम्स के आसपास आया। तो वो इसलिए आया क्योंकि स्ट्रिंग्स के साथ मैंने मेजर किया था। अगर आप इसकी स्ट्रिंग्स हटा के मेजर करेंगे तो इसका वजन 4-5 ग्राम का फर्क आ सकता है, तो ये एक्चुअली में 2U रैकेट बन जाएगा। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था इसके वेट के बारे में कि इसका वेट जो मैंने मेजर किया था वो स्ट्रिंग्स के साथ मेजर किया था। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो मेरा रैकेट है ये मेरे को स्ट्रिंग्स के साथ ही कंपनी ने अवेलेबल करवाया था। इसका मतलब ये रैकेट मुझे स्ट्रंग मिला था, अनस्ट्रंग नहीं मिला था। लेकिन इसके साथ एक बहुत जरूरी चीज जो है जो ध्यान रखने की है कि स्ट्रिंग्स जो होती है वो डेमो स्ट्रिंग्स होती है। ये अगर आप एक नॉर्मल मैच खेल रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आप परफॉर्मेंस सीकर है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, तो योनेक्स की बहुत सारी स्ट्रिंग्स मार्केट में अवेलेबल है, वो आपको लगवानी पड़ेगी अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। ये एक एवरेज स्ट्रिंग है जो एक एवरेज परफॉर्मेंस के लिए काम करेगी। अगली जो चीज है वो इसका ग्रिप साइज है, जो G4 ग्रिप साइज है, जो इजिली आपको बहुत ही कंफर्टनेस आपके हाथ में प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग G4 साइज ही प्रेफर करते हैं, तो कंपनी भी ज्यादातर G4 साइज ही बैडमिंटन में लगाती है। और जो अगली चीज है बैडमिंटन रैकेट में वो है इसका टेंशन लेवल, जो कि मिनिमम 16 LBS है, मैक्सिमम 20 LBS है। 20 LBS तक आप इसको स्ट्रिंग को LBS तक टाइट करवा सकते हैं। अब हम आते हैं इस रैकेट की परफॉर्मेंस पे और देखते हैं कि ये रैकेट कैसा परफॉर्म करेगा। जो पहली चीज है वो है इस रैकेट का बिगनर रैकेट होना, जिसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल प्ले के लिए नहीं बना है, ये एक बिगनर रैकेट है। बिगनर लोग इसको इजीली बाय कर सकते हैं और उन्हीं को ये रैकेट सूट करेगा। जो नेक्स्ट चीज है वो है इसका डिफेंसिव रैकेट होना। ये एक डिफेंसिव रैकेट है, अटैकिंग रैकेट नहीं है दोस्तों। अगर आप अटैकिंग रैकेट लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं बना है। इसके अलावा इसका वेट, इसका जो वेट है वो 2U में लाया करता है। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि ये रैकेट 2U में लाया करता है, मतलब 90 से 95 ग्राम के बीच में इस रैकेट का वजन है, जो कि एक एवरेज वजन है अगर आप लेना चाहे तो। ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये वजन सूट करेगा या नहीं करेगा, आपके गेम प्ले के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि 6000i जो एक रैकेट का मैंने रिव्यू किया था, उसका वजन 1U कैटेगरी में फॉल करता था। इसका मतलब 95 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बीच में। तो उस रैकेट से ये रैकेट काफी लाइट है, और मुझे जो पर्सनली लगता है वो लाइट इसलिए है क्योंकि इसका जो शाफ्ट मटेरियल है वो ग्रेफाइट का है, स्टील का नहीं है, जबकि 6000i का स्टील का था। जो अगली चीज है वो है इसका आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी होना। आइसोमेट्रिक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी योनेक्स ने बनाई है, योनेक्स ने इन्वेंट करी है, जो टेक्नोलॉजी आपके वर्टिकल स्ट्रिंग्स को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग्स के लेंथ के बराबर कर देती है। तो आपके रैकेट का जो स्वीट स्पॉट है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है और आपके शॉट्स में पावर आ जाती है। जो अगली चीज है इस रैकेट के बारे में वो है इसका हेड वेट। जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि मुझे हैवी हेड रैकेट पसंद है, तो ये दोस्तों एक लाइट वेट हेड रैकेट है। अगर आपको हैवी हेड रैकेट चाहिए तो शायद आपके लिए रैकेट नहीं है। अगली जो चीज है वो है ये रैकेट एक मुझे स्ट्रंग मिला था, मतलब अनस्ट्रंग नहीं था।
स्ट्रंग्स होने की वजह से जो इसकी स्ट्रिंग्स आई थी वो एक डेमो स्ट्रिंग्स है। जैसे कि आपको पता है कि डेमो स्ट्रिंग्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। अगर आपको एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको इसकी स्ट्रिंग्स चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रिंग्स अवेलेबल है योनेक्स की और बहुत सारी कंपनीज की, तो आप वो करवा सकते हैं। और जो अगली चीज है वो है इस रैकेट का बिल्ट इन टी जॉइंट टेक्नोलॉजी, जो योनेक्स काफी अपने रैकेट्स में यूज करता है, क्योंकि ये रैकेट वन पीस में बने हुए होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये वन पीस रैकेट की स्ट्रेंथ को बनाने के लिए टी जॉइंट टेक्नोलॉजी यूज की जाती है इस रैकेट के अंदर, जो इस रैकेट को ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो इस रैकेट का बजट है, मतलब इस रैकेट की MRP, वो है करीबन 1925 रुपए, और ये रैकेट आपको आराम से 1400-1500 में मार्केट में मिल जाएगा। हो सकता है 1300 रुपए में मिल जाए, वो तो आपके मार्केट पे डिपेंड करता है कि आपका मार्केट कितना सस्ता या कितना महंगा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने रिव्यूज कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खेलते रहिए, हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी मैं आपको किसी प्रोडक्ट का बजट बताता हूँ तो मैं उसके दो बेस पे आपका बजट डिसाइड करता हूँ, एक उसकी कंपनी की MRP और एक उसका सेलिंग प्राइस। तो जो भी मैं आपको बताता हूँ उसकी MRP और सेलिंग प्राइस वो फिक्स नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता रहता है। तो इस MRP और प्राइस को सीरियसली मत लीजिएगा।